हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के थ्रू सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में हम टोटल समझेंगे कि क्या सुपरपोजिशन का एप्लीकेशन है। हम आपको बताए थे सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है अगर किसी भी बार में हमको इलोंगेशन निकालना है या कुछ भी निकालना है, टोटल इलोंगेशन क्या होता है कि सम ऑफ इंडिविजुअल इलोंगेशन या जो इफेक्ट होता है सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, इंडिपेंडेंट लोड किसी भी सेगमेंट पे कितना लग रहा है उसके सम के बराबर होता है टोटल, इतना आपको बताया था। तो एक बार हमारे पास दिया हुआ है, हम ऑलरेडी आपको बताए थे कि बार दिया रहे, अगर कोई शेप नहीं लिखा है तो समझ लीजिएगा कि सर्कुलर बार है। सर्कुलर बार का एरिया क्या होता है आपको पता है। इसका जो है इसका ई दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस, डायमीटर दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, टोटल लेंथ दिया हुआ बॉडी का। और ये बॉडी आपको फिगर में दे दिया है कि किस सेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। देखिए 2, 1, 3, 4.5 आपको पता चल रहा है, 4.5 मीटर लेंथ। ये वाले सेक्शन पे 60 लग रहा है, यहाँ पे 70 जैसे मान लेते, 1, 2, 3 सेक्शन है। सारा कोई भी मटेरियल का बना है ये दिया हुआ है उसका, मान लीजिए ये अराउंड स्टील का होगा इसलिए 200 जीगा पास्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना है इलोंगेशन, फाइंड द इलोंगेशन। हमको टोटल इलोंगेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलोंगेशन सारे का इंडिविजुअली हमको निकालना पड़ेगा, सबको ऐड कर देना पड़ेगा। तो सबका इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, P1 L1 by A1 E1 प्लस P2 L2 A2 A। ठीक है, शायद ये फार्मूला हम लास्टली सुपरपोजिशन थ्योरम में लिखना भूल गए थे, तो आप वहाँ पे लिख लीजिएगा जब सुपरपोजिशन, इससे पहले वाला जो नोट्स है। ठीक है, इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो लेक्चर है उसमें वो सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में है, A3। तो देखिए हम आपको एक दो चीज़ बता चुके हैं कि ये जो हमारा बार है सेम बार है, तो E का वैल्यू सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। एरिया क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट है, बार प्रिज्मेटिक है यानी प्रिज्मेटिक बार है, तो ए का वैल्यू भी सबके लिए सेम होगा। ठीक है, एरिया कैसे निकलेगा मेरे पास, एरिया होगा π/4 d² π/4 d दिया हुआ है 25 mm। अब कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, अगर निकल जाएगा 491 mm² के आसपास आएगा ये एरिया। ठीक है, ई का वैल्यू हम लिख देते हैं, दिया हुआ है। पहले तो सबसे पहले आप लिखिएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा गिवन डाटा लिख लीजिएगा, ई का वैल्यू है 200 जीगा पास्कल, यानी 200 जीगा पास्कल को 210^9 पास्कल लिख सकते हैं आप। अगर इसी को mm² मीटर में बदलना है तो -6 m². देखिए एक दो चीज़ और बताते हैं हम आपको, बताएँगे कन्वर्जित, अगर सारा चीज़ एमएम में दिया है तो आप छोड़ दीजिए। देखिए जीगा पास्कल वाला पार्ट है, एमएम वाला पार्ट है, यहाँ भी एमएम वाला पार्ट है, यहाँ से आपको ऑलरेडी देखिए प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन ऐसा एक बोलिएगा तो आपको नहीं पता चलेगा, बिकॉज हमको प्रैक्टिस हुआ है इसलिए हमको पता है। एमएम को करने के लिए ऐसे करते हैं, जीगा पास्कल 10^9 होता है, अगर 10^-3 -6 10^9 ये कैंसिल होकर 10^3 कॉमन बच जाएगा। अब देखिएगा न्यूमेरिकल में जब वैल्यू डालेंगे तो देखिएगा। तो हाँ, मेन है लेंथ 2 L1 हमको पता है, ये हो गया L1 मेरा, ये मेरा L1 हो गया, ये L2 हो गया और ये L3 हो गया, लिख लीजिएगा यहाँ पे। मेन हो गया हमारा P1 P2 P3 कितना होगा, हमको वो चीज़ समझना है। या तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के समझिए, फ्री बॉडी डायग्राम आप नहीं भी बनाइएगा फिर भी कोई बात नहीं है, हम उसको आपको इजीली समझा दे रहे हैं कैसे निकालना है। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते ही आपको सबसे पहले चेक कीजिए कि फोर्स जो लोड दिया हुआ है वो बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड है। यहाँ जो हम बता रहे थे आपको, इधर से लेना है एक्स और यहाँ से लेना है सॉरी इधर जो एक्स डायरेक्शन में 0 के इधर लेना है पॉजिटिव, इधर निगेटिव, क्यों होता है आपको पता है। यानी जो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है उसको
एक्स के इधर डायरेक्शन में लग रहा है राइट में, जीरो के राइट में, तो पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट में तो नेगेटिव लेना है। अगर एरो इधर है, देखिए ये इधर है एरो, यहाँ पे इसको पॉजिटिव आप मानिएगा। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि जो पूरा फोर्सेस है नेट सम ऑफ फोर्सेस जीरो है कि नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए हम यहाँ पर चेक करते हैं, 60 इधर लग रहा है तो हम इसको माइनस लेंगे, 10 इधर लग रहा है इसको माइनस लेंगे, 20 इधर लग रहा है इसको पॉजिटिव लेंगे, और ये 50 इधर लग रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। देखिए आप सबको सम कीजिए तो आपका सम का वैल्यू करने के बाद आपको जीरो आएगा। जीरो आया तभी ये प्रॉब्लम सही है, नहीं तो प्रॉब्लम सही नहीं है। इस वाले टाइप के प्रॉब्लम में नेट फोर्सेस जीरो होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो करने के लिए कुछ भी गलत वलत आंसर आएगा। देखिए -70 + 70 जीरो आ गया। हमेशा सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं अगर आया तो सबसे पहले कमेंट में लिख दीजिए क्वेश्चन में, द प्रॉब्लम इज नॉट बैलेंस्ड, मतलब नॉट इन बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होता है आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, नहीं तो फिर से हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा स्टेप होना चाहिए, हमको निकालना है इसमें पी वन कितना लग रहा है, पी टू कितना लग रहा है, पी थ्री कितना लग रहा है, ठीक है। हम सबसे पहले बता रहे हैं आप किसी एक डायरेक्शन से देखना स्टार्ट कीजिएगा, दोनों डायरेक्शन से अगर देखिएगा क्या होगा पता है, आप नीचे गिर जाइएगा, खाई में गिरिएगा आप, क्योंकि दोनों डायरेक्शन देखने पर आंसर गलत आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा सपोज कि या तो इधर डायरेक्शन देखिए नहीं तो इधर डायरेक्शन देखिए, इधर से देखना ज़्यादा अच्छा है, इधर से पॉजिटिव वाला चीज़ होता है इसलिए देखते चले जाइएगा, ठीक है। हम यहाँ पे तो पी थ्री लिख दिए, तो चलिए हम पी थ्री से ये स्टार्ट करते हैं कि हमारा पी थ्री कितना वैल्यू आएगा। तो हमको पी थ्री निकालने के लिए सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पी थ्री है तो हम पी थ्री को देखेंगे, हम इसको भूल जाएंगे, लीजिए भूल गए, इससे इतना लेफ्ट में जितना है भूल गए, हमको खाली क्या याद है राइट वाला चीज़ कितना लग रहा है वैल्यू फोर्स 50, तो यही हमारा हो गया 50 किलो न्यूटन। फिर आया पी टू, कोई बच्चा बोलेगा सर इस पे तो 20 भी लग रहा है, 70 होना चाहिए पी थ्री, नहीं जो ये सेक्शन को हमको नहीं कंसीडर करना है, ये वाला सेक्शन जो है हमको इसको कंसीडर नहीं करना है, बस ये सेक्शन से इधर वाला जस्ट इधर इमिडिएटली सेक्शन वाला, ठीक है, इससे इमीडिएट जैसे सपोज, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसको बार बार देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं आपको। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाइएगा वैसा ही करके, जैसे कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम में बता रहे थे आपको कि कैसे इसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, वैसा भी आप बना सकते हैं, वहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं न्यूमेरिकल में, हम बता रहे हैं ऐसे आप ढक लिया कीजिएगा इजीली सॉल्व हो जाएगा। पी टू देखते हैं अब, तो इसे क्या करेंगे हम बोले हैं आपको एक डायरेक्शन से चलने के लिए, सिर्फ अगर इधर से ढक रहे हैं तो इधर से ही ढकेंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा इधर से ढक लिए फिर थोड़ा इधर से ढक लिए, काबिल बन गए एक डायरेक्शन से, ठीक है। सुपर पोजिशन में हम थोड़े में हम आपको दोनों तरफ से ढक के बताए थे और इक्विट बरकरार किए थे फोर्स को, देखा इधर से ढक रहे हैं पी टू देख रहे हैं, देखिए कितना लग रहा है इस पर नेट फोर्स 50 ये 20 ये कितना हो गया 70। फिर बड़े डायग्राम भी बनाइएगा तो भी वैसा ही आएगा 50 + 20 कितना हो गया 70 किलो न्यूटन, ठीक है। इस पर अब P1 पे देखना है तो कैसे देखिएगा 50 + 70, और ये निगेटिव में है इस डायरेक्शन में है, ये यहाँ पे मैं इसे ढके और इससे इधर वाला को हमको सिर्फ देखना है, इधर वाला को नहीं देखना है, तो ये 10 माइनस होगा इसमें P1 में क्या होगा 50 + 20 - 10 तो कितना हो जाएगा 60 किलो न्यूटन, ठीक है, समझ गए। देखिए करने के लिए तो आप इधर से भी कर सकते हैं, अभी लीजिए इधर ढके हमको कितना दिखा 60 किलो न्यूटन, वैल्यू 60 ही आएगा, लेकिन कभी कभी लग सकता है लोगों को ये माइनस तो लिखे क्या, क्योंकि ये इधर निगेटिव डायरेक्शन में है, P1 को माइनस लिखे क्या हैं तो हो जाएगा क्या, ठीक है, इसीलिए एक ही डायरेक्शन देखने का, ठीक है। तो हमारे पास P1 P2 P3 सारे का वैल्यू आ गया, इसमें अब पुट करने का है, P1 कितना है 60 याद रखेगा किलो न्यूटन में, L1 कितना है 2, ठीक है। अच्छा मैं काम ऐसा करते हैं, हमारे ए ई सब में तो कॉमन है सेम चीज़ें हैं, तो ए 1/A और ई को कॉमन निकाल लेते हैं, P1 L1 प्लस P2 कितना है 70, L2 कितना है 1 प्लस P3 कितना है 50, L3 कितना है 1.5, ये किस में है किलो न्यूटन में, 10^3 किलो न्यूटन में क्या होता है 10^3 होता है ना, एरिया कितना था 2
491 है। ठीक है, 491 है या 291 है, अब देख लीजिएगा कितना कैलकुलेशन करके आता है। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं आपको अभी कितना आता है। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, तो ये 491 ही है, तो ये यहाँ पे जो है वैल्यू 491 गुने 10^-6, चलिए हम अभी लिख दे रहे हैं, फिर आपको बताते हैं 10^-9 दिख रहा है ना, ऐसा ना कि हम लिखे और दिखे ही नहीं, चलिए इतना तक तो दिख रहा है। या फिर हम ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, मिटा के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला पॉट का काम समझना तो हो गया है, तो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू लिखना है, ठीक है, तो नेट चीज कितना हो जाएगा, ये 1। देखिए अब यहाँ से ये वाला पोर्शन फिर हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये -6 और ये +9 है, दोनों कंबाइन हो कितना आ जाएगा 10^3। और देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट को सॉल्व करना है, इसलिए लिखिए 10^3, ये जो है 10^ ये वाला 10^3, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे लिख लेना है सॉल्व कर, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब कितना बचा आपको, 491 और 200 बचा, और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 120+70+50 कीजिएगा तो 75। अब इसको ऐड कीजिए तो कितना होगा, ये 190 हो गया, 190 हुआ और ये 265। ठीक है, और देखिए ये तो कट ही चुका है, तो देखिए अब कितना हो जाए, 265 में आप इससे डिवाइड दीजिए, तो ये जो हमारा आंसर आएगा किस में आएगा, मीटर में आएगा, ये किस में आएगा, मीटर में। हम सारा चीज़ क्या ले रहे हैं, मीटर में। देखिए लेंथ भी मीटर में लिए थे, किलो न्यूटन को भी न्यूटन में बदले थे, या MM को भी मीटर में बदले थे, जीगा पास्कल को भी पर मीटर में बदले थे। आप ऐसा कीजिएगा कि अगर आपको नॉलेज रहेगा, ध्यान रखिएगा, या आपको इतना इसे लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्या कीजिएगा आप, यहाँ वाला पार्ट MM में लीजिएगा, अगर MM में लीजिएगा, ठीक है ना, MM में लीजिएगा, और ये तो MM में है ही, ऑलरेडी रहेगा ही, कि किलो न्यूटन में रहना चाहिए फोर्स, कितने ये किस में रहना चाहिए, लोड किलो न्यूटन में रहना चाहिए। ठीक है, तो किलो न्यूटन के वजह से ही पूरे पार्ट यहाँ बैलेंस हो पाता है, और ये वाला पार्ट को MM में रखिएगा तो MM में आंसर आएगा, अगर मीटर में रखिएगा तो मीटर में आंसर आएगा। देखिए हम मीटर में रखे हैं, लेंथ को मीटर में रखे हैं ना, सारे लेंथ को तो मीटर में रखे हैं, जैसे 1 मीटर 2 मीटर जो था, इसलिए हमारा मीटर में आएगा। इसी को अगर MM में आपको बदलना रहेगा फिर से, बिकॉज जो डिफॉर्मेशन होगा, चेंज इन लेंथ होगा, वो बहुत कम होगा, बिकॉज 0.0027 इतना मीटर, इसको सॉल्व कीजिए तो इतना आएगा आपको सॉल्व करके। ठीक है, तो अगर इसी को फिर आपको MM बदलना होगा तो इसको आप क्या कीजिएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मीटर में MM में बदलने के लिए क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इतना MM आपका आंसर आएगा। ये कितना होगा डिफॉर्मेशन बार में, इतना आप इससे बहुत सीख लिए होंगे कि कैसे डिफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिस्कशन मेरा बहुत लंबा चला, छोटा सा क्वेश्चन का ये सिखाने का तरीका था, नहीं तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछेगा, इतना हमको इसमें बताना था, बता दिए, चलिए थैंक यू।